कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए इसको, और जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। क्या करूं बाकी, मैं मरूं क्या, मैं इनको मार दूं, क्या करूं बताओ आप। दूध लेने नहीं गया मैं आज, शर्म के मारी। और अगर उसने करा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी। मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता, यही बोलता ना। बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ बाप के साथ में क्या बीती, क्या कर सकते हैं, यही बोलेंगे कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए इसको, और जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। पुलिस पकड़ती काय को है, पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही शूट कर देने चाहिए। मालूम है ये अपराधी है तो इसको मार रखना ही नहीं चाहिए इसको। हमारा तो यही कहना है भाई साहब, और कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। मैंने तो कोई सिखाया नहीं उसको, मैंने कोई पढ़ाया नहीं इसको, ना मेरे को मालूम था कि ये ऐसा करेगा। अब करा है तो भैया सजा तो भरना पड़ेगी, हमने नहीं करा फिर भी हमको सजा मिल रही है। आज तूने करा या नहीं करा, आज उनको तो मुँह छुपाने से तरीके से गए, किसी से बात करने के नहीं, कहीं जाने के लिए, दूध लेने नहीं गया मैं आज, शर्म के मारी। क्यों 10 जनों में मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, गाड़ी भी नहीं चलाई मैंने आज, घर पे बैठा। कल से रोटी नहीं खाई, आज 1.5 रोटी खाई मैंने, मेरी मिसेज ने तो रोटी भी नहीं चखी है। हम बहुत परेशान हैं, कल से बहुत हो रहा है, हम तो बहुत परेशान हैं भाई साहब, हम बहुत ज़्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते। क्या करूं बाकी, मैं मरूं क्या, मैं इनको मार दूं, क्या करूं बताओ आप। तो गलत किया उसको तो मिलना चाहिए भाई साहब, कोई भी हुआ। मैं भी होता तो मैं भी यही बोलता, मेरे को भी सजा दो, मैंने गुनाह करा है, मैं तो कबूल कर देता। जिसने गुनाह करा है उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। अगर मेरे भाई ने करा है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और नहीं करा है तो वरी हो जाएगा। ये जो फैसला है रिपोर्ट के बाद आएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।